हमने इससे पिछले मॉड्यूल में कंस्ट्रक्ट के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने कहा कि कंस्ट्रक्ट जो है वो एक हिडन कॉन्सेप्ट होता है, एक लेटेंट वेरिएबल है कॉन्सेप्ट, जिसमें ऐसे तमाम चीज़ें जो अपनी नेचर में एब्स्ट्रैक्ट होती हैं उनको मेजर करने के लिए पहले उनको डिफाइन करना इनडायरेक्ट मेजर्स के ज़रिए से, कि जिनको ले लिया जाए तो उससे वो कंस्ट्रक्ट डिफाइन हो जाता है। अब जिन चीज़ों में यानी किसी कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए जिस सेट ऑफ वेरिएबल्स को मैं इस्तेमाल करता हूँ वो उसको डिफाइन करते हैं। मसलन इंटेलिजेंस का था तो आप देखिए कि इंटेलिजेंस के लिए मैंने कहा कि हम लोगों की एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, लोगों की एबिलिटी टू रीज़न, लोगों की एबिलिटी टू लर्न, फ़र्ज़ कर लें इन चीज़ों को मेजर करेंगे तो हमें उनकी इंटेलिजेंस का पता चलेगा। सो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया इंटेलिजेंस। उस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए जो वेरिएबल्स मैंने रखे वो वेरिएबल थे प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग, एबिलिटी टू लर्न, इस तरह की चीज़ें रखी। ये जो मैंने उसके कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करने के लिए जो आपको सेट बताया आगे चीज़ों का चार, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? कंस्ट्रक्ट एब्स्ट्रैक्ट है। जब भी मैं कंस्ट्रक्ट को कन्वर्ट करूँगा उसके उन वेरिएबल्स में जिनके ज़रिए से वो कंस्ट्रक्ट मेजर होना है, तो वो वेरिएबल्स सारे कंक्रीट होने चाहिए या कंक्रीटली मेजरेबल ज़रूर होने चाहिए। अगर पूरी तरह से कंक्रीट नहीं भी हैं तो उनको मेजर करने का तरीका मेरे पास अगले स्टेप में मेरे जहन में होना चाहिए। तो मैं कंस्ट्रक्ट्स को मेजर करता हूँ थ्रू वेरिएबल्स और फिर उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके उन वेरिएबल्स के फिर मैं इंडिकेटर निकालता हूँ। मसलन इंटेलिजेंस को मेजर करने का एक सब कंस्ट्रक्ट है, फर्ज कर लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, और भी थे, रीजनिंग भी था, क्रिटिकल थिंकिंग भी था, एक था उसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम, कोई शख्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखता है या नहीं इसको मेजर करना है, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले वेरिएबल को मेजरेबल इंडिकेटर्स में डिवाइड कर लूँगा। आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रा तरतीब से समझिए कि जो चीज़ें डायरेक्टली मेजरेबल होती हैं वो वेरिएबल्स हैं, मैं उनको खुद मेजर कर लेता हूँ। मसलन वेट है, हाइट है, आई साइट है, वो डायरेक्ट मैंने मेजरिंग टेप लगाई और हाइट निकाल ली, वेइंग मशीन यूज़ की और वेट निकाल लिया, वहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम उन चीज़ों पे होता है जो लेटेंट हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनको मैंने कहा कि ये कंस्ट्रक्ट्स हैं। अब मेरे पास क्योंकि मेजर करने की लिमिटेशंस हैं, मैं सिर्फ उन चीज़ों को मेजर कर सकता हूँ जिनका फिजिकल वजूद होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, हाइपोथेटिकल हैं, मैं उनको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता। लिहाजा मैं कंस्ट्रक्ट को डिवाइड करता हूँ सब कंस्ट्रक्ट्स में या वेरिएबल्स में, और उन वेरिएबल्स को फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ या फर्दर उनको डिवाइड करता हूँ उन इंडिकेटर्स में जो डायरेक्टली मेजरेबल हैं। सो मैं एक अनमेजरेबल चीज़ से अपने आप को एक मेजरेबल चीज़ की तरफ ला रहा हूँ, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है कि जब तक मेरे पास वो मेजरेबल शक्ल में नहीं आएगी मैं उसका डाटा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो लिहाजा उसका डाटा रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी है कि मैं उसको ऑब्जर्वेबल चीज़ों में, मेजरेबल चीज़ों में कन्वर्ट करूँ। सो जो वेरिएबल्स होते हैं ये मेजरेबल होते हैं, और इनको कैसे मेजर किया जाना है हर वेरिएबल को, उसके लिए मैं इसके इंडिकेटर्स बनाता हूँ और वो इंडिकेटर्स डायरेक्टली मेजरेबल होते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट को एक मेजरेबल फॉर्म में शिफ्ट कर लिया और उन मेजरेबल चीज़ों के अगेंस्ट डेटा कलेक्ट किया और उस डेटे को एक्युमुलेट करके उस कंस्ट्रक्ट के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जो वेरिएबल्स हैं, अगर आप इनको मुख्तलिफ लेवल्स पे देखना चाहें तो इनमें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं, कुछ नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। ये मुख्तलिफ तरह का डेटा जनरेट होता है इनसे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। मसलन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जैसे जेंडर है। अब देखिए, जेंडर नेचुरली न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता, मेल होगा या फीमेल होगा, उसको मैं नंबर असाइन करता हूँ, मेल को 1 कह देता हूँ, फीमेल को 2 कह देता हूँ, तो मैंने उसको एक नंबर अलॉट कर दिया। अब जेंडर कैटेगोरिकल होने का मतलब देखें ये है
कि वन मेल एलएच से टू फीमेल को का, तो वन और टू के दरमियान कोई मीनिंगफुल नंबर नहीं होता। ये लोगों को क्लासिफाई कर देता है दो ग्रुप्स में, लेकिन 1.1 का कोई मतलब नहीं है, 1.2 का कोई मतलब नहीं है। वन अगर मेल है तो टू फीमेल है, तो 1.3 कुछ भी नहीं होता, मीनिंगलेस है। जब भी किसी दो नंबर्स के दरमियान मौजूद बाकी तमाम नंबर्स मीनिंगलेस होंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, जिनमें जेंडर है, रिलीजन है, मैरिटल स्टेटस है, इस तरह की वेरिएबल्स हैं जिनके डेसिमल जो है वो मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन कुछ वेरिएबल कंटिन्यूस होते हैं, मसलन एज है। जैसे अगर आप एक शख्स की एज 5 साल है, दूसरे की 6 साल है, तो इसके दरमियान 5.1 साल वाला एक मीनिंगफुल नंबर है, 5.2 एक मीनिंगफुल नंबर है, 5.22 एक मीनिंगफुल नंबर है। आप जितना मर्जी इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं डेसिमल्स में, इसका हर नंबर एक वैलिड मेजर को जाहिर करता है। ऐसे तमाम वेरिएबल्स को हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। और इसी तरह फिर आगे और भी हैं जिनकी तफसील हम आने वाले मॉड्यूल्स में देखेंगे। यहाँ समझाना आपको मतलब ये था कि वेरिएबल्स डायरेक्टली मेजरेबल चीज होते हैं जो किसी कंस्ट्रक्ट को अल्टीमेटली डिफाइन करने में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आप इस ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है एक तरह का कि कंस्ट्रक्ट क्या है, उस कंस्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल्स कौन से हैं, उन वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए इंडिकेटर्स कौन से हैं, ये एक बुनियादी तसव्वुर है जो कि हमें इस्तेमाल करना है टूल्स के बनाने के लिए। तो इनको समझना और इनके सीक्वेंस को समझना, इनके लिंक को समझना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हमने दो बातें एक पिछले मॉड्यूल में और एक इस मॉड्यूल में देखी कि कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल्स का आपस में क्या कनेक्शन है। इसके बाद आने वाले मॉड्यूल में हम कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल के बाद वेरिएबल का डेटा के साथ क्या कनेक्शन होता है ये समझेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो टूल का पर्पज़ है वो डेटा कलेक्शन है। तो इन तीनों को कनेक्ट करके हमें देखना है कि इनसे वेरिएबल से आगे डेटा कैसे कनेक्ट होता है, ये बात हम अगले मॉड्यूल में देखते हैं।